Turn it back. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं और सेमेस्टर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये 10 क्वेश्चन को रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और ये 10 क्वेश्चन जो कि हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, हर बार पूछता है और ये रिपीट करते रहता है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है। और इसको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि इसको आपको पढ़ने के लिए, यदि आपको नहीं भी पता है और यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको YouTube पर जाना है और जो भी क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगा उसको YouTube पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको नोट्स बनाना है, जो भी टॉपिक 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा आपको उसको देख लेना है और नोट्स बनाना है। उसके बाद मैं कुछ होगा तो आपको नोट्स दे दूँगा। यदि आप लोग कॉमेंट करते हैं तो मैं सभी को कुछ कुछ का आपको क्वेश्चन करा कर और जो कि नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही आपको मैं 10 क्वेश्चन बता देता हूं और इसको आपको नोट्स बना लेना है, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक दो बार आपको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छा से पता चल जाएगा। और नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखें ताकि यह सब क्वेश्चन रिपीट करता है या नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट में जो क्वेश्चन यह है, ड्रा मॉलिक्यूलर और विटल थ्योरी से आपको क्वेश्चन आता है। ओ टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ लेता है उसका, ओ टू प्लस का, ओ टू माइनस का, और इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। तो आप एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल लाइक सीयू प्लस मैंने कॉपर प्लस और एजी प्लस कलर लेस वाई क्यों होता है कॉपर प्लस से, और ए जी प्लस क्यों कॉपर कलर लेस होता है, इसके बाद जो कि क्वेश्चन पूछता है आपको प्रीवियस ईयर में देख लेना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स के लिए आपको जो कि 2 मार्क्स में पूछता है, स्टैटिक इफेक्ट हो गया, डेल एडर रिएक्शन हो गया, डायसेमिक मिक्सचर हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसको ज़रूर आप लोग देखें इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपको आ जाता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन प्रॉपर्टी। तो आपको इस SN1 और SN2 को रिएक्शन के साथ प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। उसके बाद सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी रहेगा तो उसको आपको देख लेना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं भी पता है तो आपको मैं बताया है कि आपको YouTube पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा और जितना हो सके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है आपको क्वेश्चन डिफरेंस एनारिसियोमस और डिसनारियोमस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है तो चलते आप ही लोग से सीखेंगे। उसके बाद जो कि सेकेंड आ जाता है मिक्सचर एंड मेसो कंपाउंड, ये जो कि क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है, ये सेकेंड सेमेस्टर में भी रिपीट किया था तो आप लोग इसको सही से देखें डिफरेंस। उसके बाद टैप और आइसोमेरिज्म, इससे भी क्वेश्चन दम देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन में दम रिपीट करता ही करता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हो गया और उसके बाद 2 और रहता है, तो जो भी इसका टाइप है आइसोमेरिज्म का तो वो देख लेना। जो कि अगला आ जाता है आपको क्वेश्चन रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो इसको ज़रूर देखें इसका फिगर ड्रा करने के लिए और इसका थ्योरी टाइप का। उसके बाद डिस्कस हाइजेनबर्ग असेंटेटरी प्रिंसिपल, ये आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा हाइजेनबर्ग को। उसके बाद वाटर केमिस्ट्री में आपको EDTA मेथड जो कि आता ही आता है, न्यूमेरिकल आता है, थ्योरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स में आ जाता है, यानी 7 नंबर का 2 रहेगा 14 मार्क्स में। EDTA मेथड आप ज़रूर देखें। उसके बाद जियोलाइट मेथड, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर देखें, इससे आपको क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें। आपको मैं बता देता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो वहां से देख लीजिएगा या तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन आता ही आता है तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ये मैं 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो लगा ये सब क्वेश्चन रिपीट करते रहता है
तो आपको इतना आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आप लोग जो भी टॉपिक पर बोलिएगा तो मैं आपको कमेंट करना, तो उसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।